अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ कश्मीरी स्टाइल का पनीर, जिसके लिए हमें चाहिए पनीर। यह है आधा किलो। इसको अपने हिसाब से शेप में काट लीजिए। यह है एक बड़ा चम्मच मगज़ और 8-10 बादाम, 3 अदद प्याज, 3 अदद टमाटर और अदरक लहसुन का पेस्ट। अब हमें क्या करना है, पनीर को तल लेना है और निकाल लेना है। बादाम, मगज़ और टमाटर का एक पेस्ट बनाना है। प्याज को बारीक चॉप करनी है। पेस्ट बना लिया है और ये प्याज काट ली है। अब हम तलेंगे पनीर। हमने तेल गरम कर लिया है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पनीर को डालकर तलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनहरा तल के हम निकाल लेंगे। अब ये देखिए, हमने पनीर तल के निकाल लिया है। अब हम उसी तेल में अपना पनीर बनाना शुरू करते हैं। ये हमारे खड़े गरम मसाले, जिसमें ज़ीरा, लौंग, काली मिर्ची, हरी इलायची और दालचीनी और तेज़पत्ता है। और ये है हमारे पिसे हुए मसाले, 2 चम्मच धनिया पाउडर, नमक 2 चम्मच, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच। अब हमने इसमें ये डाल दिया है। अब डालेंगे हमारे प्याज। अब प्याज को थोड़ा सा चलाकर अब ये प्याज गोल्डन ब्राउन हो गया। अब हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसे डालकर चलाएंगे। फिर इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। इसको थोड़ा सा भून लीजिए। फिर इसमें जाएगा ये मसाले का पेस्ट। अब इसको चलाइए, धोकर हम डब्बा भी डालते हैं। फिर इसमें जाएगी थोड़ी सी दही। सब चीज़ों को डाल के हम अच्छे से भून लेते हैं। अब देखिए ये अभी भूनते हुए भून रहा है हमारा ये पनीर का मसाला। देखिए कितना अच्छा कलर आ गया मसाला से। अब इसे हमें थोड़ी देर और भूनना है, जब तक
ये अच्छी तरह भुन जाता है ना, आपको दिखाती हूँ। दूसरे चूल्हे पे मैंने चढ़ा दिए हैं चावल। आज खाने में बहुत देर हो गई है, जल्दी जल्दी हम फटाफट अपना बनाते हैं पनीर। थोड़ी देर से पका के फिर बताते हैं। ये भुन गया है, तरी भी ऊपर आ रही है। खाने में मज़ा जब ही आता है जब मसाला अच्छी तरह भुन जाए। अब हम इसमें डालेंगे अपना पनीर। अब इसे डाल के चलाएंगे। फिर इसमें थोड़ा सा पानी डालें। जितनी आपको ग्रेवी की ज़रूरत हो इतना पानी डालें। फिर ये सूखकर थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, तो पानी इतना डालिए कि बाद में सूखने के बाद गाढ़ा भी हो जाए तो आपको उतनी क्वांटिटी मिले। अगर अभी से ही गाढ़ा रखेंगे तो बाद में और ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। ये देखिए, अब हमने अपने हिसाब से इसमें पानी डाल दिया। अब इसमें उबाल आने लगा है, अब हम इसमें डालेंगे। ये मेरे पास थोड़ी सी घर की मलाई रखी है, थोड़ी सी वो डाल देंगे और थोड़ा सा ये थोड़ा सा दूध डाल देंगे। इससे ज़रा क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। आप मेरे तरीके से बना के देखिए। अब इसमें एक चम्मच कसूरी मेथी, डाल के थोड़ी देर इसे पकने के लिए छोड़ देते हैं 5 मिनट, जब तक इसमें अच्छा उबाल 2-3 ना आ जाए। में गरम मसाला पाउडर डाल देंगे थोड़ा सा और हरा धनिया। और इसे सर्व करेंगे। आप इसे रोटी से, चावल से, जैसे भी खाना है अपने हिसाब से खाइए, अच्छा लगता है। पनीर यहाँ की एक ट्रेडिशनल डिश है कश्मीर की। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखना।